Dear students, welcome on RC online Paathshala. Today we start this question. Solve the following system of equations using Cramer rule. देखिए मैं ये question करवा देता हूँ, उसके बाद एक question वन अपॉन एक्स टाइप का, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड टाइप का और बच जाता है. उसके बाद ये मेरी तरफ से क्रेमर रूल खत्म हो जाएगा और मैं फिर मैट्रिक्स मेथड यूज करूँगा. और मैट्रिक्स मेथड के बाद आपके कुछ दो चार क्वेश्चन और हैं जो अच्छे हैं और उनके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो आपको ये जो क्रेमर रूल है वो 2x2 का मैंने कल करा दिया था, आज मैं 3x3 का करा रहा हूँ. तो देखिएगा कैसे करेंगे. फर्स्ट क्या करोगे, डेल्टा इक्वल टू, सबसे पहले डेल्टा फाइंड आउट करो. क्या है 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 और 1 2 1. अब इसे आप सोल्व कर लो. तो देखो सोल्व करने पे क्या आएगा, 2 into -1 -1 और -2 कंप्लीट हो गया. और यहां पे देखिए -1 और इसके साथ क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 की तो 0 हो गया, इसको देखना भी नहीं है. और यहां पे क्या आएगा, -1 ये हट गया क्या आया 2 प्लस 1. तो ये यहां से क्या आया 2 into -3, ये 0 है इसको छोड़ दो. और यहां से क्या आया -2, तो -6 और -2 क्या मिल गया -8. अब देखिए सिंस डेल्टा इक्वल टू -8 और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या लिखोगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन. उसके बाद आप किस पे आओगे, डेल्टा हो गया आपके पास, डेल्टा की वैल्यू क्या आई है -8. अब आप किस पे आओगे, डेल्टा 1 पर. तो देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, डेल्टा 1 इक्वल टू 0 6 3 1 -1 2 -1 1 1, यही है. अब आप इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, ये 0 है इसको तो सॉल्व करेंगे नीड ही नहीं है. आप यहां पे आओ सीधा, -1 into ये हट गया तो 6 -3 और -1 into क्या होगा 12 + 3, यानी आपके पास क्या मिला, यहां पर -3 और यहां पे -15, यानी माइनस का 18 आ गया. इतना आप करिए एक बार. देखिए आपने डेल्टा फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा 1 कर लिया. एक बार आप डेल्टा में देखो, ये तो हमने सही लिखा था 2 और -3, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 2 + 1 क्या होगा 3 होगा ना, तो यहां पे ये 3 लिखो, ये मिस्टेक हो गई थी, -3 और ये क्या आया -9 और यहां पे भी क्या होगा -9. इस प्रकार से आपने डेल्टा 1 और डेल्टा फाइंड आउट कर लिया है. उसके बाद अब किसकी बारी है, डेल्टा 2 की बारी है. अब डेल्टा 2 देखिए लिखना कैसे है, ये लिख लिया पूरा, उसके बाद इसको लिखना है. उसके बाद देखिए डेल्टा 1 कैसे करोगे, ध्यान देना, डेल्टा 2 इक्वल टू क्या होगा 2 1 1 0 6 3 1 1 1 और ये किसका है माइनस का. अब इसे सोल्व कर लो, क्या होगा 2 और यहां पे क्या होगा 6 - 3 और ये तो 0 है, इसको तो देखना भी नहीं है, तो 0 समथिंग 0 ही होगा. और ये देखो -1 और क्या होगा 3 - 6. देखिए 2 into 3 - 1 into -3 तो क्या होगा 6 + 3 और ये क्या आया 9. ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई,
डेल्टा टू की, अब किसकी निकालनी है, डेल्टा थ्री की। डेल्टा थ्री देखो 2 1 1 1 माइनस 1 2 और यहां पे 0 6 3। बस इसे सोल्व कर लो, क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 1 3 माइनस 6। ये इसे सोल्व कर लो, ये क्या आएगा -15 -30 और यहां से क्या आया -3 और +3 यानी -27। आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं सब किसी की। आपने डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया है, अब लास्ट में केवल क्या लिखना है वो देखो। फ्रॉम क्रेमर रूल क्या होगा, एक्स इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। अब देखिए अगला स्टेप क्या आएगा, डेल्टा वन की वैल्यू क्या है -18 अपॉन -9 और यहां से क्या आया 2। ऐसे ही y इक्वल टू डेल्टा टू की वैल्यू क्या है 9 अपॉन -9 क्या आया -1 और z की वैल्यू क्या होगी डेल्टा थ्री की वैल्यू -27 अपॉन में क्या है -9 और यहां से क्या आया 3। इस प्रकार से आपने x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक्स वाई जेड सिर्फ यूनिक वैल्यू मिली है, सिंगल मतलब एक ही वैल्यू मिली है और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये क्रेमर रूल पे बेस्ड क्वेश्चन था, इस पर बेस्ड मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड कराते हुए उसके बाद केवल और केवल 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं और एक चैप्टर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही।